नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी प्लस फिजिकल प्रक्रिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपी प्लस की फिजिकल प्रक्रिया अभी चल रही है और दोस्तों आज की दौड़ में कितने अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई किए हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों नए मेहमानों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप अपने चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपडेट आता है तो उसका नोटिफिकेशन है वह जो आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप हर वीडियो या फिर जो न्यूज़ आती है हमारे द्वारा डाली जाती है उसका तुरंत लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यूपी पुलिस प्रक्रिया के बारे में। तो दोस्तों आज है 31 दिसंबर, यानी कि यह साल का लास्ट डे है। दोस्तों आज जो फिजिकल यहाँ पर किए गए हैं, लगभग 800 विद्यार्थियों का यहाँ पर फिजिकल किया गया है। कहीं कहीं तो दोस्तों जो विद्यार्थी हैं कि 200 विद्यार्थियों को यहाँ पर एक साथ दौड़ाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि पहले जो फिजिकल हुआ था उसमें दोस्तों 200 विद्यार्थियों को यहाँ पर एक साथ दौड़ाया गया था। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों फिर 200 और फिर 200, ऐसे कर 200 के जो ग्रुप रहते हैं उनमें विद्यार्थियों को दौड़ाया जाता है। और दोस्तों सबसे पहले बात करें, सबसे पहले यहाँ पर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे आप DV के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हाइट की होती है, हाइट नाप हुई या फिर हाइट फिजिकल हुई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दोनों स्टेज जो रहती हैं, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद नापतौल या फिर हाइट का जो होता है नापतौल ही बोला जाता है उसके लिए। उसके बाद दोस्तों यदि दोनों स्टेज पास हो जाता है विद्यार्थी तो उसके लिए दौड़ अगली प्रोसेस यानी कि रनिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों यदि कोई भी विद्यार्थी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर नापतौल में बाहर हो जाता है तो भाई पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और दोस्तों यदि इन दोनों स्टेज यहाँ पर क्वालिफाई कर लें तो तीसरी स्टेज जो मेन स्टेज रहती है भाई रनिंग की रहती है, जिसमें बॉयज़ के लिए यहाँ पर 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में कवर करनी होती है। तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर हम बता दें कि आज विद्यार्थियों का बहुत ही बुरा हाल यहाँ पर रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो होने वाला है अधिकतर विद्यार्थी यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं रनिंग जो कि निर्धारित समय पर दी गई है। यानी कि 4.8 किलोमीटर की जो रनिंग है वह लगभग 25 मिनट में तय करनी है, लेकिन कुछ विद्यार्थी यहाँ पर क्वालीफाई कर ही नहीं पा रहे हैं। कुछ विद्यार्थी यहाँ पर 8 से 9 चक्कर यहाँ पर लगा पाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो दौड़ हो रही है वह 400 मीटर का एक गोला राउंड है और उसके 400 मीटर के 12 राउंड आपको लगाने होते हैं, वो भी 25 मिनट के अंदर। यानी दोस्तों 12 राउंड 400 मीटर का लगाएंगे तो लगभग 4.1 किलोमीटर यह कवर हो जाएगी। दोस्तों इतनी दूरी आपको 25 मिनट में कंप्लीट करनी है, लेकिन कुछ विद्यार्थी यहाँ पर क्वालिफाई हो जाते हैं और दोस्तों अधिकतर विद्यार्थी यहाँ पर कोई 8, 9 या 10 राउंड तक ही पहुँच पाता है। उसके बाद यहाँ पर कहीं तो वो गश्त का कि गिर पड़ता है या फिर उसको चक्कर आ जाते हैं या फिर वो रुक जाता है, वो दौड़ता ही नहीं है। तो लेकिन कुछ विद्यार्थी यहाँ पर अपनी पूरी फोर्स जोर लगा के जहाँ तक पहुँच जाते हैं, फिनिशिंग पॉइंट यानी कि जो टर्निंग पॉइंट अपना रहता है 12वां राउंड को क्लियर करते करते भी वह बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। आज की बहुत ख़राब कंडीशन रही है, हर विद्यार्थियों यही बता रहा है कि कोई विद्यार्थी यहाँ पर गश्त खा के गिर रहा है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, कोई यहाँ पर रनिंग कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों कुछ विद्यार्थी यहाँ पर 8 से 9 राउंड ही पूरे कर पाते हैं और भाई फिर गिर जाते हैं या फिर बेहोश हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी यहाँ पर 11वें राउंड पर गिर जाते हैं, कुछ विद्यार्थी यहाँ पर 12वें राउंड पर भी गिर जाते हैं, अभी कंप्लीट ही नहीं कर पाते, थोड़ी दूरी पर भी वह रुक जाते हैं, उनको उतने दौड़ने की हिम्मत ही नहीं बचती कि वो अपना जो पॉइंट है उसको क्लियर कर सकेंगे। दोस्तों कुछ विद्यार्थी ऐसे भी पाएगा जो कि अपना निर्धारित समय में यानी कि 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, उसके बाद वो बेहोश भी हो गए। दोस्तों ऐसे विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बेहोश की हालत में पाएगा उनको तुरंत ही जो ग्राउंड में वो रहती है मेडिकल टीम से तुरंत ही उसके लिए मेडिकल या प्रथम उपचार कर दिया जाता है ताकि उनको जल्दी से होश आ जाए और भाई अपने स्वस्थ हो सकें। तो दोस्तों जैसे ही विद्यार्थी यहाँ पर बेहोश या फिर कुछ चक्कर आ जाते हैं उसको तुरंत ही प्रथम उपचार कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे यहाँ मेडिकल स्टाफ भी अवेलेबल रहता है
ताकि कोई भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या यहाँ पर ना आए और जल्दी से जल्दी उनके लिए यहाँ पर इलाज की व्यवस्था हो सके। और दोस्तों एम्बुलेंस भी वहाँ पर अवेलेबल है ताकि यदि कोई ज़्यादा सीरियस होता है तो उसके लिए तुरंत अस्पताल में भेजा जा सकता है, क्योंकि जो सेवाएं अस्पताल में रहती हैं वह प्राथमिक उपचार में नहीं रहती। तो दोस्तों आपसे बस यही कहना चाहते हैं, यदि आपकी रनिंग अभी तक नहीं हुई है या फिर होने वाली है तो दोस्तों प्लीज़ आप नियमित प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप अपनी जो दौड़ है रनिंग है वह निर्धारित समय यानी कि 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर आसानी से कवर कर सके, आपका कोई भी परेशानी ना आए। ऐसी हमारी भगवान से आपके साथ कामना है, भगवान करे आपको नए वर्ष बहुत बहुत शुभकामनाएं लेकर आए, आपकी रनिंग बिल्कुल 25 मिनट में क्या 20 मिनट में भी कंप्लीट हो जाए, यानी कि जो 20 मिनट के समथिंग यदि आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग होगी, ठीक है। और दोस्तों यदि 25 मिनट में भी हो जाती तो कोई बात नहीं, आपने सिलेक्शन चाहिए चाहे 25 मिनट में हो या फिर 24 मिनट में या 22 मिनट में, अपनी जो रनिंग है भाई कंप्लीट होनी चाहिए, ना कि डिसक्वालीफाई। दोस्तों क्वालीफाई होना है, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर आप पहुँचे हो यदि आपकी दौड़ होनी है तो दोस्तों आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की होगी तब आप जाकर यहाँ पर दौड़ तक पहुँचे हो कि आपका यहाँ पर दौड़ संपन्न होनी, यहाँ पर दौड़ में आपको भाग लेने का मौका मिल रहा है। आप बहुत ही यहाँ पर सौभाग्यशाली हैं जो कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो दोस्तों आज जो विद्यार्थियों का बहुत ही बुरा हाल रहा, देखिए दोस्तों यदि आप बिल्कुल अच्छे शांतिपूर्वक से रनिंग कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप नियमित प्रैक्टिस करते रहिए दिन रात या फिर सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग में जाइए, इवनिंग में जाइए या फिर दोपहर में भी आप दौड़ते रहिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ तो कुछ नहीं देखते, यदि धूप भी रहती है तो आपको धूप में भी दौड़ना पड़ता है, इसलिए आप बिल्कुल सुबह भी दौड़ने शाम को भी और दोपहर में भी धूप में भी दौड़ने की प्रैक्टिस करें ताकि आपको कहीं भी एनी कंडीशन कहीं भी दौड़ने को बोला जाए आप बिल्कुल रेडी रहें और आप तुरंत ही रनिंग कंप्लीट कर सकें। तो दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि यदि आप का भी जो जितने भी दिन बचे हैं, एक दिन दो दिन या फिर तीन दिन भी आपके पास बचे हैं तो आप नियमित प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे दौड़िए, जल्दी मतलब हापड़ धूपर नहीं दौड़िए, केवल शांति से दौड़िए, धीरे धीरे अपनी रनिंग कीजिए ताकि जो आपकी प्रैक्टिस है भाई आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो सके और आप अपनी जो क्वालिफाई हो रेसिंग हो भाग लेने जा रहे हो उसमें आपको आसानी सफलता मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो आप अपने चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।